दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप किसी भी व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एकदम नया मेथड है, कुछ भी एकदम वैसे नहीं है जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। लोग आपको बताते हैं क्यूआर कोड स्कैन करो, मैंने भी बताया था, लेकिन अब मैं नई ट्रिक लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें आपको कोई क्यूआर कोड वगैरह नहीं स्कैन करना है, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है आपको। आप ऐसे कर सकते हैं ऑफिशियली, व्हाट्सएप ने ऑफिशियली ये फंक्शन आपको, ऑप्शन आपको दिया है। इससे आप व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं, किसी दूसरे के व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं और उसके सारे मैसेज पढ़ सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। फ़ोन के अंदर सारे मैसेज पढ़ सकते हैं कि किसके मैसेज क्या आया है, और आप ग्रुप के भी मैसेज ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे कोई भी मैसेज आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी व्हाट्सएप की। तो मैं यहाँ से व्हाट्सएप खोल लेता हूँ अपना। तो ये मेरा ZK टेक्निकल ग्रुप है यहाँ पे। तो मैंने सभी को ब्लर कर दिया है, मैं किसी का नंबर आपको यहाँ पे नहीं शो करा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या करना है आपको। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रही होंगी, इस पर क्लिक कर लेना आपको। ये रहा 3, तो मैं 3 डॉट पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आ रहे हैं, क्लियर चैट, तो हमें क्लियर चैट नहीं करनी, शॉर्टकट नहीं करना, हमें क्लिक करना है ईमेल चैट पे। ईमेल चैट पे आप क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से मीडिया जनरेट। तो ये बोल रहा है कि जब हम इसे अटैच करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मैसेज आएंगे, तो ओके हमें करना है। तो अटैच मीडिया पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से ये कर रहा है। तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ तब तक। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो लोडिंग होगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से आप ये दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी ईमेल आईडी है वो चूज़ कर सकते हैं। मेरी ये ईमेल आईडीज हैं, इनमें से कोई भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आपको किस में भेजना है तो आप अपनी दूसरी आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपकी आईडी है, और यहाँ से उस आईडी पे मैसेज भेज सकते हैं। फिर आप आराम से अपने फ़ोन के अंदर उसे आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या मैंने भेजा था, क्या मैसेज था, सारी फ़ोटो सब कुछ आपको मिल जाएगा। सब कुछ जो भी यहाँ पे भेजा गया है वो आपको हर मैसेज मिल जाएगा अपने फ़ोन पे। फिर यहाँ से आप सेंट में जाके उस मैसेज को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं जो आपने सेंट किया था, और वहाँ पे आपको सारे मैसेज मिल जाएंगे। और इससे आप किसी भी आईडी से कर सकते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा किसने सेंट किया। और याद रखिएगा, सेंट वाली जो फाइल थी उसे भी आप डिलीट कर दें, वरना आप उसे पता चल जाएगा। और तो दोस्तों, ये भी अलग तरीका है जो लोग बहुत कम बताते हैं आपको, तो मैंने सोचा आज आपको ये बताया जाए, तो मैंने बता दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।